उच्च घनत्व बागवानों के महत्व को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में उच्च घनत्व सेब प्लांटेशन पर शोध कार्य किया जा रहा है। प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के तहत किए जा रहे इस शोध कार्य के तहत नौणी विश्वविद्यालय के अलावा विश्वविद्यालय के विभिन्न केंद्रों से विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में प्रशिक्षण किए जा रहे हैं। शोध के दौरान रूट स्टॉक पर वेस्ट पौधे पर इंपोर्ट की गई है। सेब की नई किस्मों जैसे जेरोमाइन, रेड ब्लॉकस, गेल गाला आदि को कलम किया गया है। आपको बता दें कि जहां पहले पुरानी विधि से एक हेक्टेयर में 5x5 मीटर की दूरी पर केवल 400 पौधे ही सीडलिंग रूट स्टॉक पर लगाए जाते थे और 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर की दर से पैदावार ली जाती थी, वहीं इस पद्धति में 2.5x1 मीटर की दूरी पर लगाकर प्रति हेक्टेयर 4000 पौधे लगाए जा सकते हैं और करीबन 50 से 55 टन प्रति हेक्टेयर सेब की पैदावार ली जा सकती है, जो कि आने वाले 7 से 10 सालों में 60 से 75 मीट्रिक टन तक भी हो सकती है। विश्वविद्यालय में 2016 में शुरू किए गए प्रयोगात्मक प्रशिक्षणों में सामने आया है कि रूट स्टॉक पर 2.5x1 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। जेरोमाइन टॉल सिप्डल प्रशिक्षण प्रणाली से प्रशिक्षित किया गया है और इसमें प्रूल की पैदावारी और गुणवत्ता के मामले में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षणों को पूरा करने के बाद ही अंतिम सिफारिशें अगले 2-3 सालों में तैयार की जाएंगी। वहीं नौणी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एच सी शर्मा ने बताया कि शोध के दौरान रूट स्टॉक पर वेस्ट पौधे पर इंपोर्ट की गई है। सेब की नई किस्मों को कलम किया गया है। जहां पहले पुरानी पद्धति से एक हेक्टेयर में 5x5 मीटर की दूरी पर केवल 400 पौधे ही सीडलिंग रूट स्टॉक पर लगाए जाते थे और 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर की दर से पैदावार ली जाती थी, वहीं इस पद्धति में 2.5x1 मीटर की दूरी पर लगाकर प्रति हेक्टेयर 4000 पौधे लगा सकते हैं और करीबन 50 से 55 टन प्रति हेक्टेयर सेब की पैदावार ली जा सकती है, जो कि आने वाले 7 से 10 सालों में 60 से 75 मीट्रिक टन तक भी हो सकती है। यहाँ पे जो हम सेब के पौधे देख रहे हैं, ये 2 साल पुराने हैं और ये रूट स्टॉक पे बेस्ड हैं, जिसके ऊपर इम्पोर्टेड नई जो सेब की किस्में हैं उनको कलम किया गया है। हमारी पुरानी पद्धति जो थी उसमें हमारे जो प्लांट्स थे वो सीडलिंग रूट स्टॉक्स पे लगाते थे, जिसमें रेड डिलीशियस या गोल्डन डिलीशियस वैरायटीज लगाते थे, उनको 5x5 मीटर के डिस्टेंस पे लगाते थे और एक हेक्टेयर में 400 पौधे लगते थे। उनकी एवरेज यील्ड जो थी वो 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर रहती थी। लेकिन अभी ये नई पद्धति जो है जो ड्वार्फ रूट स्टॉक्स हैं, नई जो किस्में जैसे जीरोमेन, रेड ब्लॉक्स या गेल गैला हैं, इनको जब ड्वार्फ रूट स्टॉक्स पे लगाते हैं तो दूसरे और तीसरे साल में ही पौधों पे भरपूर फसल आती है और इनको जो है 2.5x1 मीटर पे जब लगाते हैं तो एक हेक्टेयर में 4000 पौधे आ जाते हैं और इन पौधों की अभी एस्टिमेटेड जो पैदावार है वो 50 से 55 टन प्रति हेक्टेयर है और जब ये 7 से 10 साल पुराने ये पौधे हो जाएंगे तो इसकी यील्ड जो है 60 और 65 से लेकर के 75 मीट्रिक टन भी हो सकती है। तो इस प्रणाली को यदि हमारे किसान बंधु अपनाएंगे तो हम अपनी सेब की जो पैदावार है उसमें 4 से 5 गुना वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा इसका अहम पहलू यह है कि सेब जो था वातावरण के परिवर्तन के हिसाब से अब 6000 फुट या उसके ऊपर ऊंचाई वाले इलाकों में ही होता था। अब ये जो ड्वार्फ रूट स्टॉक्स हैं और नई जो वैरायटी जैसे जीरोमेन है, रेड ब्लॉक्स है, सुपर चीफ है, इनको जब हम M9 रूट स्टॉक्स पे पार्टिकुलरली जीरोमेन का जो कॉम्बिनेशन है, जो किस्म है एक, ये इसको अब हम 4.5 या 5 हजार फुट से लेकर के वाले इलाकों में भी लगा सकते हैं और इसकी हमें जो है 50 से 55 टन जो मीट्रिक टन जो पैदावार है वो हम ले सकते हैं। तो